जनकपुर के जंगलों में लाडो चिड़िया अपने पति जग्गू के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया गर्भवती थी, इसलिए वह कहीं नहीं जाती थी, और उसकी एक बेटी चीनू थी। जग्गू रोजाना उन दोनों के लिए अनाज की खोज में जाता था और अनाज लेकर घर वापस आता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और लाडो चिड़िया ने एक प्यारा सा अंडा जन्म दिया और उसमें से बच्चे निकलने का इंतजार लाडो करने लगी। एक दिन चीनू बोली, माँ, इसमें से बच्चा कब निकलेगा? मुझे अपने बहन या भाई को देखने का बहुत मन कर रहा है। इस पर लाडो चिड़िया बोली, परेशान ना हो, बस कल तक की बात है और इसमें से एक प्यारी चिड़िया निकल आएगी। अगले दिन सुबह होती है और लाडो चिड़िया अपने अंडे के पास बैठ जाती है। अंडे से एक दो सर वाली चिड़िया बाहर आती है। यह देखकर लाडो और उसकी बेटी चीनू डर जाती है और चीनू कहती है, यह क्या हुआ माँ, यह कैसी चिड़िया है, मेरी बहन कैसी है? यह सुनकर लाडो बोली, बेटा परेशान ना हो, मुझे भी खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। रुक जाओ, तुम्हारे पापा को आ जाने दो। और शाम में जग्गू जब घर वापस आता है तो वह इस अद्भुत चिड़िया को देखकर डर जाता है और कहता है, लाडो यह कैसी चिड़िया है, ऐसी हमारी बच्ची कैसे हो सकती है? इस पर लाडो खुद को समझाते हुए कहती है, क्या करे जी, शायद हमारी किस्मत में ऐसी ही बच्ची लिखी है। अब यह जैसी भी है हमारी बच्ची है और हम इसका पालन पोषण करेंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि लाडो चिड़िया ने दो सिर वाली बच्ची को जन्म दिया है। और एक दिन लाडो चीनू से कहती है, बेटा चीनू, तुम बड़ी हो इसलिए मैं घर तुम्हारे भरोसे छोड़ कर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी बहन का ध्यान रखना है और कहीं बाहर नहीं जाना है। और लाडो वहाँ से चली जाती है। दो सर वाली चिड़िया का नाम लाडो ने बड़े प्यार से सुंदरी रखा था। सुंदरी अपने बहन चीनू से कहती है, आज तक हम बाहर घूमने नहीं गए, चलो ना चीनू, मुझे बाहर लेकर चलो। इस पर चीनू बोली, अगर माँ को पता चल जाएगा तो वह मुझे डांटेंगी, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। यह सुनकर सुंदरी चीनू से कहती है, माँ को कोई नहीं बताएगा, हम जल्दी से घूम कर वापस चले आएंगे। और दोनों बाहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव के लोग उस अजीब सी सुंदरी को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। और कुछ दूर जाने पर रानी चिड़िया अपने बच्चों को नहला रही थी। यह देखकर सुंदरी कहती है, हमारी माँ तो हमें कभी ऐसे खुले में नहीं नहलाती, मेरा भी ऐसे नहाने का मन कर रहा है। इस पर सुंदरी और चीनू रानी चिड़िया के पास जाते हैं, लेकिन रानी चिड़िया उनकी तरफ देखती तक नहीं है, जिससे चीनू समझ जाती है कि वह मेरी बहन सुंदरी को देखकर डर गए हैं। और चीनू कहती है, चलो सुंदरी यहाँ से चलते हैं, माँ के आने का समय हो गया होगा। और सुंदरी चीनू घर पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि लाडो घर आ चुकी थी। और लाडो गुस्से में पूछती है, चीनू मैंने तुमसे मना किया था ना कि सुंदरी को बाहर मत ले जाना, तुम उसे क्यों ले गई? गांव वाले अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, इस दो सर वाले पंछी को गांव से बाहर निकालो वरना हमारे बच्चे डर जाएंगे, अब हम क्या करें? यह सुनकर चीनू रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ। इस पर सुंदरी बोली, नहीं नहीं चीनू दीदी की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे जबरदस्ती बाहर जाने के लिए कहा था। यह सुनकर लाडो
सुंदरी को समझाती है कि तुम सबसे अलग चिड़िया हो, इसलिए लोग तुम्हें देखकर डर जाते हैं। सुंदर अब उदास रहने लगती है और एक दिन अचानक से सुंदरी घर के बाहर जाती है। तभी वह देखती है कि एक छोटी सी बच्ची को कुछ पक्षी पेड़ से बांधकर लटका रहे हैं और बाज भी उसका शिकार करने के लिए वहां पर बैठा हुआ है। कोई भी पंछी उसे बचा नहीं पाता है, लेकिन सुंदरी साहस के साथ उस पक्षी को बचा लेती है और बाज पक्षी को भगा देती है। यह देखकर सभी चिड़िया खुश हो जाते हैं और सुंदरी को प्यार करने लगते हैं और लाडो से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी तो बहुत बहादुर है जिसने आज एक प्यारी बच्ची को बाज से बचाया है। हम सुंदरी से डरते थे, लेकिन इतना बहादुर भरा काम करके हमारे दिल को जीत लिया है। और अब सुंदरी निडर होकर पूरे गांव में घूमती थी और कोई भी बच्चा उसे परेशान नहीं करता था और ना ही उससे कोई डरता था। बहुत तेज आंधी तूफान भरा मौसम था। सभी पक्षी अपने अपने घर में थे। लाडो चिड़िया अपनी बेटी चीनू के साथ अपने घोंसले में रहती थी। कई दिनों तक बारिश के ना रुकने के कारण उसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है, जिससे कि उसको इलाज की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे तेज बुखार होने के कारण लाडो चिड़िया कहती है कि सुनते हो कालू, हमारी बेटी का तबीयत बहुत खराब है, हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब कालू देखता है कि सच में चीनू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ये देखकर कालू भी बहुत घबरा जाता है और वह डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों अपनी बेटी चीनू को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे वहां भर्ती कर देते हैं। बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण बहुत से पक्षी बीमार थे। उसके बगल में ही कौवा रानी का बेटा भी भर्ती था। ये देखकर लाडो कहती है कि यह मौसम इतना खराब है कि सभी बीमार ही पड़ जा रहा है, जिससे कौवा रानी कहती है कि क्या बताऊं बहन लाडो, मेरे बेटे की तो तबीयत इस रामू समोसे वाले के कारण हो गई। एक दिन मेरा बेटा उसके यहाँ समोसा खाने के लिए गया था। इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि लोगों को लाइन लगाना पड़ता है और ये भी लाइन में खड़ा था। बहुत देर के बाद उसे भी समोसा मिला और वो उसे खाया। उसने पता नहीं क्या अपने समोसे में मिलावटी सामान मिला दिया, जिससे कि मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया और मुझे अस्पताल में उसे भर्ती कराना पड़ा। ये सुनकर लाडो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि रामू समोसे वाला ऐसा भी करता है। रामू के समोसे खाकर कई लोग बीमार पड़ चुके थे और अब रामू को पुलिस ढूंढ रही थी कि उसने समोसे में मिलावटी चीजें क्यों मिलाई। अंततः पुलिस उसे ढूंढती है। किसी तरह रामू कौवा पुलिस को मिल जाता है और पुलिस रामू को ले जाकर जेल में बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हारी यही सजा है, तुम्हारे कारण से बहुत से बच्चे और बूढ़े बीमार हो गए और वह आज अस्पताल में भर्ती है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने लोगों की जिंदगियों के साथ मजाक किया है, तुम्हें इसके लिए कोई भी सजा दे दी जाए वह कम है। ये सुनकर रामू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और रामू कौवा उदास जेल में बैठा अपनी गलती का एहसास कर रहा था। फिर पुलिस अस्पताल में जाती है और कौवा रानी को बताती है कि रामू समोसे वाला पकड़ा गया है, उसकी गलती बहुत बड़ी है, इसलिए उसको क्षमा नहीं किया जा सकता और उसे हमने पकड़ कर जेल में डाल दिया है, इसलिए अब चिंता की आवश्यकता नहीं है और वह अब समोसे भी नहीं बेच पाएगा। ये सुनकर कौवा रानी खुश हो जाती है कि दोषी को सजा मिल गई। कुछ दिन बीता गया और धीरे धीरे लाडो चिड़िया की बेटी चीनू ठीक हो गई।
और कौवा रानी का बेटा भी ठीक हो गया। दोनों अपने अपने घर आ गए और मौसम भी पहले से अच्छा हो चुका था, लेकिन फिर भी बिना समय वर्षा होती थी, जिससे कि सभी परेशान रहते थे। धीरे धीरे लाडो चिड़िया की बेटी चीनू भी बड़ी हो गई और अब वह समझदार भी हो गई थी, जिससे कि उसकी तबीयत अब नहीं खराब होती थी और वह खुशी खुशी खेलती थी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।